नजर डालते हैं अलीराजपुर जिले की खास खबरों पर। छकलता खंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद विशाल संचलन निकाला गया। वहीं जोबर जिले में एक आरोपी को पकड़ने गए पुलिस दल के साथ हाथापाई का मामला भी सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निकाले गए इस पथ संचलन में विभाग के बौद्धिक प्रमुख श्री हरिओम शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्कृति सबकी एक, चिरंतन खून रगों में हिंदू है। हम सब लोग सनातन संस्कृति को साथ लेकर जीने वाले लोग हैं। हम सब प्रकृति के पूज्यत राम को, कृष्ण को आराध्य के रूप में मानते हैं और पूजते हैं। हमारे बाबा देव, रानी काजल माता, टंटिया मामा भील आदि हमारे आराध्य है। हजारों सालों के संघर्ष के बाद हमने इस भारत को पुनः प्राप्त किया है। कई प्रकार की कठिनाइयां आई, कई प्रकार के षड्यंत्र द्वारा हमारे समाज को, हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु हमारे देश के महापुरुषों ने, राजाओं ने घास की रोटी खाकर, जंगलों में रहकर इस भारत को अखंड बनाया और इसे बनाए रखने हेतु प्रयास किए। यह देश माता है और इसकी रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए हम सब लोग इसे भारत माता मानते हैं। इसलिए हम सब का कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित रखें, और सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब हिंदुत्व सुरक्षित होगा। हम सभी जनजाति भाई जाति पंथ मतभेद भुलाकर एक होकर इस भारत माता को परम वैभव पर ले जाना है। ऐसे कई उदाहरण हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, जो षड्यंत्रकारी विदेशी ताकतें जो जनजाति समाज का धर्मांतरण करने में लगी है, ऐसी शक्तियों को पहचान कर उसे गांव से बाहर निकालना होगा। इस प्रकार की बातें उद्बोधन में कही गई। छकतला क्षेत्र के खंड के 78 गांव का प्रतिनिधित्व सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित होकर कदम ताल मिलाते हुए घोष के ताल में कदम से कदम मिलाकर पूरे नगर के चारों रास्तों पर भ्रमण किया और जगह जगह पर स्वयंसेवकों का नगरवासियों द्वारा फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। संचलन में छकतला, बखतगढ़, फूलमाल तीनों उपखंड की संख्या सम्मिलित रही। यह जानकारी प्रवीण कुमार चौहान, जिला बौद्धिक प्रमुख ने दी। नहीं मानते थे लोग जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, आज वो नासा सिद्ध करता है कि राम सेतु था, और जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने रामायण को काल्पनिक कहा, वो आज सुबह शाम अयोध्या में राम मंदिर के वहां जाकर माथा टेकते हैं। ये सत्य है, ये प्रमाणित है कि हम सनातन काल से शाश्वत समय से हैं। वहीं जिले के जूबर थाना अंतर्गत एक युवक को पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी में 420, 467, 468, 409 जैसी कई धाराओं में आरोपी बनाया था। इस दौरान आरोपी अनूप पिता दिनेश चंद्रवाणी के स्वास्थ्य परीक्षण पर ले जाने के दौरान परिवार के लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ ही झूमा झटकी की गई एवं अभद्रता की गई, शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। बाधा डालने का मामला भी प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा विदेशों में मास्क, सैनिटाइजर सप्लाई के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई। वहीं किराए के फ्लैट को अपना बताकर बेच दिया। आरोपी अनुपाणी को जब पुलिस रिमांड पर ले जाया जा रहा था, तब परिवार के अन्य लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ जमकर धक्का मुक्की की गई। वहीं जब पुलिस और आरोपी पक्ष से चर्चा की गई, तो उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से कही। मेरे पति को मेडिकल करवाने के लिए हमने एक आवेदन दिया था। उनको जेल में कुछ तकलीफ थी, आंखों में इन्फेक्शन, गम्स में स्वेलिंग वगैरह हो रही थी, तो हमने मेडिकल के लिए एक आवेदन दिया था। तो उनको पुलिस जेल से हथकड़ी लगा के प्राइवेट वाहन में यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आई है, जो अनैतिक है, जो कि जुडिशियल में है, जिनका क्राइम अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी जाँच चल रही है। पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया हम काफी दिनों से देख रहे हैं, 90 दिन से हमको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। 322 अखिलेश मंडलोई मेन रूप से रिश्वत लेकर और सारे षड्यंत्र रच रहा है शिकायतकर्ताओं से मिलके, और जो बयान होते हैं, जिसके बयान होते हैं, वो बयान शिकायतकर्ताओं के समक्ष लिए जाते हैं और थाने के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर से काम करते हैं वाला। और हमको ये धमकी दी जाती है कि बयान दो कि नहीं दो, तुम्हारी एफआईआर तो होके रहेगी। लाइव में फोटो दिखा हमारे पास, इसके द्वारा रिश्वत लेने का सबूत है, ऐसे ये बिल्कुल उसके पीछे ही लगे हुए हैं। तो आपके पास जो सबूत है वो आपने, इसमें एक अनूप पाणी करके जोबट के ही, तो वो एक ऑलरेडी 420 468 के मामले में उज्जैन जोबट में परिरुद्ध थे, और उनके ऊपर दो और नए मामले कायम हुए हैं 420 और 467 के।
तो उनका जो फार्मल गिरफ्तारी करने के बाद में पीआर के लिए मजिस्ट्रेट साहब से अनुमति लेकर जेल से लेकर फिर सीधे हॉस्पिटल गए, जो कि नियम है मेडिकल कराने का। मेडिकल करा लिए तो घर उनके जो परिजन है अनुवाणी, उनका आरोप है कि प्राइवेट वाहन में लेकर गए थे और इसलिए हंगामा करते, लेकिन प्राइवेट वाहन वाला इशू नहीं है सर इतना बड़ा, क्योंकि जो सरकारी वाहन है वो दूसरे चुके से उसमें इंगेज थी, व्यस्त थी, इस वजह से प्राइवेट वाहन वो भी पुलिस की ही गाड़ी थी, अलग नहीं थी, स्टाफ की थी, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बाकी वो हथकड़ी वाली बात आ रही तो उसको मैं देखता हूँ सर कि वो वाकई मुझे लगाई कि नहीं लगाई। दोपहर न्यूज के लिए अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा के साथ जोबर से मोहन चौहान की रिपोर्ट।